प्रिय भैया बहनों, मुझे यह बताते हुए बहुत ही खुशी हो रही है कि हमारी मासिक पत्रिका उड़ान का प्रकाशन किया जा रहा है। सबसे पहले मैं उन सभी आचार्यों और भैया बहनों का हार्दिक अभिनंदन करता हूं जिन्होंने इस पत्रिका में अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया। मेरा लक्ष्य है कि ईमानदारी से निरंतर सुधार का दृष्टिकोण रखते हुए गुणवत्ता में लगातार बढ़ोतरी करते हुए प्रशिक्षण देना, जिससे स्कूल निरंतर विकास के पथ पर आगे बढ़े। आज समाज और देश के सामने सबसे बड़ा प्रश्न है, शिक्षा किस लिए दी जाए। विभिन्न मनोवैज्ञानिक और शिक्षाविदों ने शिक्षा के विभिन्न उद्देश्य बताए हैं। किसी विद्वान का मत है, जीवन की कठिन चुनौतियों के लिए तैयार करना ही शिक्षा का उद्देश्य है। कुछ लोग सच्चरित्र निर्माण को शिक्षा का उद्देश्य मानते हैं। वैदिक ऋषियों के अनुसार शिक्षा का उद्देश्य मानव का सर्वांगीण विकास है। इसके लिए हमारा शारीरिक, प्राणिक, मानसिक, नैतिक व आध्यात्मिक और बौद्धिक विकास होना बहुत जरूरी है। मैं मानता हूँ शिक्षा अति आवश्यक है, क्योंकि व्यक्ति अपने ज्ञान से मान होता है, जन्म से नहीं। हमारी पत्रिका का उद्देश्य है कि विद्यार्थियों का सर्वांगीण विकास हो। नमस्कार। आधुनिक शिक्षा तथा पारंपरिक शिक्षा के समन्वय के द्वारा ही व्यक्तित्व का समग्र विकास किया जा सकता है। इस विचारधारा के क्रियान्वयन के अंतर्गत विद्यालय में भिन्न भिन्न गतिविधियां आयोजित की जाती है। आइए जाने अगस्त माह में कौन कौन सी गतिविधियां आयोजित की गई। नमस्कार, मेरा नाम प्रफुल्ल चंद्र राय है। आज इस अवसर पर दिनांक 3 अगस्त को विद्यालय में डॉक्टर प्रफुल्ल चंद्र राय जी की जयंती मनाई गई। इस अवसर पर आचार्य कुमारी खुशबू जी के द्वारा उद्बोधन दिया गया। नमस्कार, मैं खुशबू पाठक भावरा देवरा सरस्वती विद्या मंदिर में विज्ञान की शिक्षक हूँ। आज 2 अगस्त को प्रफुल्ल चंद्र राय जी का जन्म दिवस है, जो कि भारत के महान वैज्ञानिक है। हमारे विद्यालय में इनके जन्म दिवस को विज्ञान सप्ताह के रूप में मनाया जाता है। दिनांक 25/7/2023 से हमारे विद्यालय में विज्ञान सप्ताह मनाया जा रहा है, जिसके अंतर्गत कई तरह की गतिविधियां कराई गई। आज हमारे विद्यालय के कुछ छात्र वैज्ञानिक बनकर आपके सामने आएंगे और अपनी जीवनी, अपनी उपलब्धियां आपके सामने बताएंगे। जैसा कि आप सभी को पता है, भारत में बहुत बहुत महान वैज्ञानिक रहे हैं, जैसे कि डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम, कल्पना चावला, वेंकट रमन, जगदीश चंद्र बोस। उन्हीं को आपके सामने विद्यार्थी प्रस्तुत करेंगे। आशा करती हूँ कि आपको मार्गदर्शन प्राप्त होगा एवं आपकी रुचि विज्ञान के प्रति बढ़ेगी। धन्यवाद। आप सभी को मेरा प्रणाम। आज प्रफुल्ल चंद्र राय जयंती की हार्दिक शुभकामनाएं। आज इस गतिविधि में आप सभी का स्वागत करता हूँ। सबसे पहले मैं बुलाना चाहूंगा रौनक भारद्वाज के को, जो भारत के मिसाइल मैन APJ अब्दुल कलाम के रूप में अपना परिचय देंगे। मेरा नाम डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम है। मैं भारत का एक वैज्ञानिक हूँ। आज मैं आप सभी के समक्ष अपने जीवन के बारे में कुछ बातें प्रस्तुत करने आया हूँ। मेरा जन्म 15 अक्टूबर 1931 में भारत के तमिलनाडु के रामेश्वरम में हुआ था। मेरा जन्म एक गरीब नाविक मुस्लिम परिवार में हुआ था और मैंने शुरुआत से ही विज्ञान विषय में बहुत रुचि दिया। इसी प्रकार मैंने स्कॉट्स हायर सेकेंडरी स्कूल से अपनी 10th की मैट्रिकुलेशन की डिग्री ली और एरोनॉटिक्स की डिग्री मैंने मद्रास इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी MIT से ली। सन 1960 में मैंने DRDO को ज्वाइन किया और जब मैंने DRDO को ज्वाइन किया तब मेरा लक्ष्य भारत को एक इंटरग्रेटेड लेजर गाइडेड मिसाइल्स देने का था और अंततः मैंने भारत को अग्नि, पृथ्वी, नाग, त्रिशूल और आकाश जैसे मिसाइल देकर भारत को स्वागत दिया। इसी कारण मुझे सब लोग मिसाइल मैन ऑफ इंडिया के नाम से जानते हैं। 1998 में पोखरण परमाणु परीक्षण में मैंने योगदान दिया और इसको सफल बनाकर भारत को एक परमाणु संपन्न राष्ट्र बनाया और भारत की सेना को सशक्तिकरण प्रदान की। 1999 में मैंने रिटायरमेंट लिया और साल 2002 में अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार में मुझे राष्ट्रपति बनने का सौभाग्य मिला। साल 2002 से लेकर 2007 तक मैंने राष्ट्रपति के तौर पे सेवा की और उस समय भी मैंने पढ़ाना या सिखाना नहीं छोड़ा। कई यूनिवर्सिटीज़ में मैंने लेक्चर दिए और भारत के युवा को प्रेरित किया। इसी कारण मुझे पद्मभूषण, पद्म विभूषण, भारत रत्न और वीर सावरकर पुरस्कार जैसे सम्मानों से सम्मानित किया गया।
और अंत में अपनी बात को खत्म करते हुए अपना एक विख्यात सबसे विख्यात वाक्य बोलना चाहूँगा कि देश के सबसे समझदार मस्तिष्क अक्सर कक्षा की अंतिम सीटों पर पाए जाते हैं। इस पर मुझसे बहुत प्रश्न भी किए गए कि आप इसकी पुष्टिकरण कैसे कर सकते हैं, तो इसका उत्तर बड़ा सरल सा है क्योंकि मैं भी एक पीछे बैठने वाला ही विद्यार्थी रहा हूँ। धन्यवाद आपका दिन शुभ। अब मैं आमंत्रित करता हूँ नोबेल प्राइज विनर जगदीश चंद्र बसु को, जिनके रूप में होंगे अनिरुद्ध। नमस्कार, मेरा नाम जगदीश चंद्र बसु है। मेरा जन्म 30 नवंबर 1858 में विक्रमपुर बंगाल प्रेजिडेंसी में हुआ। मेरे पिता का नाम भगवान चंद्र बोस तथा माता का नाम भगवती बोस था। मैंने कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय लंदन से अपना स्नातक प्राप्त किया। उसके बाद सर्वप्रथम भारत आकर मैंने साइंस फिक्शन के बारे में आपने बातें बताई। उसके बाद 1917 में मैंने कलकत्ता में बोस इंस्टीट्यूट की स्थापना की। फिर सेस्कोग्राफ नामक यंत्र बनाकर मैंने अपने देश को सेस्कोग्राफ दिया, जिसके द्वारा हम पौधों के टिश्यू के अंदर होने वाली गतिविधियों को देख सकते हैं। फिर मैंने सॉलिड स्टेट ऑफ फिजिक्स और पौधों की फिजियोलॉजी में भी बड़ा योगदान दिया। 1895 में मैंने माइक्रोवेव का सिद्धांत दिया तथा उसे प्रदर्शित करके दिखाया। मैंने 1902 में विश्वविख्यात वैज्ञानिकों के सामने अपनी बात रखी कि जो पौधे हैं वह भी सजीव होते हैं। इस बात को साबित करने के लिए मैंने जहर मंगवाया तथा उसे पौधे में डाला। जब पौधा था उसे कुछ नहीं हुआ। जितने भी वैज्ञानिक थे वह मेरे पर हंसने लगे और मेरा मजाक उड़ाने लगे। मुझे अपने ऊपर आत्मविश्वास था और मुझे लगता था कि जो मेरी बात है वह सच है, क्योंकि मैंने जो अपना प्रदर्शन था वह काफ़ी बार किया था। इसीलिए जो जहर था मैंने वह पी लिया। बाद में पता लगा कि जो जहर था वह नकली था। उसके बाद जब असली जहर मंगवाया गया और उसे पौधे में डाला तो जो पौधा था वह मुरझा गया। तो जितने भी वैज्ञानिक थे उन सब ने मेरी तारीफ करी और जो मेरी बात थी वो सच निकली। इसी कारण मुझे भारतीय विज्ञान का जनक भी माना जाता है। 1903 में मुझे CIE, 1911 में CSI तथा 1917 में मुझे नाइट बैचलर के आदि पुरस्कारों से सम्मानित किया गया। दिनांक 3 अगस्त से 5 अगस्त तक विद्यालय में प्रांतीय शतरंज तथा बैडमिंटन खेल कूद प्रतियोगिताओं का आयोजन किया गया। इन प्रतियोगिताओं में 20 से भी ज्यादा टीम्स ने प्रतिभागिता की। दिनांक 7 अगस्त 2023 को विद्यालय में अहम अस्मी ट्रस्ट के द्वारा भैया बहनों का स्वास्थ्य परीक्षण आयोजित किया गया। पेट के कीड़ों से छुटकारा, सेहतमंद भविष्य हमारा। राष्ट्रीय कृमि मुक्ति दिवस के अवसर पर विद्यालय में कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर एसके शर्मा जी, जिला विद्यालय निरीक्षक डॉक्टर धर्मवीर सिंह जी एवं ब्लॉक एजुकेशन ऑफिसर श्रीमान यशपाल सिंह जी की गरिमामय उपस्थिति रही। कार्यक्रम में उपस्थित सभी अतिथिगण के द्वारा भैया बहनों को कीड़े की दवा खिलाई गई।
दिनांक 15 अगस्त 2023 को विद्यालय में 77वां स्वतंत्रता दिवस मनाया गया। इस कार्यक्रम में डीआईजी गृह मंत्रालय भारत सरकार श्रीमान विवेक माथुर जी, कामधेनु ट्रस्ट के संस्थापक डॉक्टर नरेश शर्मा, उत्तर पूर्वी क्षेत्र संगठन मंत्री विद्या भारती श्रीमान ख्याली राम जी की गरिमामय उपस्थिति रही। दिनांक 15 अगस्त के कार्यक्रम में विद्यालय की हस्तलिखित पत्रिका का विमोचन भी किया गया। भैयाबहन, यह हस्तलिखित पत्रिका तीनों भाषाओं में है और यह जो साहित्य परिषद है उसके अंतर्गत भी आता है, तो इसमें हिंदी, संस्कृत, अंग्रेजी के जो लेख हैं, कथा, कहानी, चुटकुले और बच्चों के अपने अनुभव, स्वरचित कविताएँ, इनसे संबंधित प्रेरक प्रसंग, इस तरह के आर्टिकल्स इन पत्रिकाओं के मध्य आपको मिलेंगे। सभी भैया बहनों के लिए सैनिक ताल करो। दिनांक 19 अगस्त 2023 को विद्यालय में आचार्य बहनों के द्वारा हरियाली तीज का त्योहार हर्ष उल्लास के साथ मनाया गया। इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में सह व्यवस्थापिका वकील सुप्रीम कोर्ट श्रीमती मणि मित्तल जी, विद्यालय की कोषाध्यक्ष डॉक्टर सुनेत्री जी, विद्यालय प्रबंध समिति की सदस्य तथा ग्रीनफील्ड पब्लिक स्कूल की भूतपूर्व प्रधानाचार्य श्रीमती रेणु गुप्ता जी की गरिमामय उपस्थिति रही। दिनांक 21 अगस्त को विद्यालय में राखी बनाओ प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। विद्यालय में चंद्रयान 3 के चांद पर उतरने की प्रक्रिया का सीधा प्रसारण विद्यालय में दिखाया गया। इस अवसर पर विद्यालय के भैया बहन तथा अभिभावक की गरिमामय उपस्थिति रही। इस दौरान चंद्रमा की अधिकतम ऊंचाई को घटाकर 107 किलोमीटर कर दिया गया। अपने परिवारजनों के साथ इस उमंग और उल्लास से जुड़ा हुआ मैं टीम चंद्रयान को, इसरो को और देश के सभी वैज्ञानिकों को जी जान से बहुत
दिनांक 30 अगस्त 2023 को विद्यालय में रक्षाबंधन के पर्व को हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। इस अवसर पर प्रबंध समिति से अध्यक्ष महोदय श्रीमान सुशील जी, व्यवस्थापक महोदय श्रीमान रजनीश जी, कोषाध्यक्ष महोदया श्रीमती सुनेत्री जी, प्रधानाचार्य जी श्रीमान सोमगिरी गोस्वामी जी तथा प्रबंध समिति सदस्य श्रीमान मयंक जी की गरिमामय उपस्थिति रही। रक्षाबंधन के अवसर पर विद्यालय के भैया बहनों के द्वारा भी रक्षाबंधन का त्योहार हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। में बस इतना ही। उड़ान पत्रिका के एक और नए अंक के साथ फिर होगी मुलाकात। तब तक के लिए नमस्कार।